हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम टू ऑल द मामीज आउट देयर. यस आई एम नॉट ग्रीटिंग योर किड्स टुडे, आई एम ग्रीटिंग यू ऑल मामीज. सो एज यू कैन सी माय कैप्शन बिलो, सो माय टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट द मामीज दैट व्हाट यू ऑल कैन डू विद योर किड्स एट होम एंड हाउ डू यू मेक देम लर्न न्यू थिंग्स. एंड यू नो बट एट आर होम, जब भी हम घर पे होते हैं, वी नो कि हमारा जो बच्चा है बहुत ज़्यादा शरारतें कर रहा है, वो कुछ न्यू लर्न नहीं कर रहा है. सो हाउ कैन वी मेक देम लर्न न्यू थिंग्स इवन बिफोर गोइंग टू स्कूल, राइट? कि जब वो स्कूल नहीं भी जा रहा है, उस एज पे है कि अभी वो स्कूल जाने वाला है, तो हम लोगों को चाहिए कि हम उन्हें घर पे कुछ ना कुछ न्यू रोज सिखाते रहें, राइट? सो आज आई केम अप विद एन आइडिया कि क्यों ना एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जो मॉमीज को हेल्प करे टू टीच देयर किड्स एट होम एक्चुअली, राइट? सो टुडे आई विल बी टेलिंग यू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज विच यू कैन डू एट योर होम विद एक्चुअली जीरो इन्वेस्टमेंट और वेरी मिनिमल इन्वेस्टमेंट आई कैन से, बट आई एम श्योर योर किड्स आर गोइंग टू लव दैम एंड दे विल एक्चुअली लर्न न्यू थिंग्स साइड बाई साइड, राइट? सो फर्स्टली, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप सबकी सब मॉमीज अपने बच्चों के लिए एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो, राइट? टाइम टेबल प्रिपेयर करो, दैट मीन्स उनको एक फिक्स टाइम दो टू वेक अप, टू स्लीप एट नाइट एंड फॉर द मील, राइट? मील टाइम जो है वो भी उनका एक फिक्स टाइम रखो कि हाँ, आपको जो मील मिलेगा वो उसी टाइम के लिए मिलेगा. एंड यू कैन ऐड ऑन फन लर्निंग टाइम, राइट? फन लर्निंग टाइम, जो ये एक्टिविटीज़ का जो आपको टाइम देना है, वो भी उसका एक सर्टेन टाइम जो है वो फिक्स करो, राइट? यू कैन फिक्स देयर फन लर्निंग टाइम सो दैट दे कैन लर्न, दैट दे विल गेट वट एवर दे वॉन्ट बट एट अ सर्टेन टाइम. हर चीज़ उन्हें मिलेगी, ठीक है, बट एक फिक्स टाइम पे. वी नो आर किड्स डू अ लॉट ऑफ टैंट्रम्स टू गेट वट एवर दे वॉन्ट, राइट? सो ये बहुत एक अच्छा तरीका है उन्हें समझाने का कि बच्चा, आपको हर चीज़ मिलेगी जो आपको चाहिए, बट एक टाइम पे, जो परफेक्ट टाइम होगा उस चीज़ के लिए, जो टाइम हम डिसाइड करेंगे, आपके पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, आपको उसी टाइम पे मिलेगी वो चीज़. तो ये चीज़ उनको समझाने के लिए हम ये फन लर्निंग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद दोज एक्टिविटीज़ फॉर विच यू ऑल आर वेटिंग, फाइन? सो वी विल नाउ स्टार्ट विद द एक्टिविटी. ओके, सो वी ऑल बेसिकली वॉन्ट कि हमारे जो बच्चे हैं वो हेल्दी हों, राइट? उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो, सो दैट दे कैन नॉट गेट इल अगेन एंड अगेन, है ना? वो बार बार बीमार ना पड़े, और बिकॉज हमें नहीं अच्छा लगता अपने बच्चों को बीमार देख के, राइट? सो माई फर्स्ट एक्टिविटी इज फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, विच विल एक्चुअली हेल्प देम टू बिल्ड वेरी गुड इम्यूनिटी. बिकॉज फिजिकल एक्टिविटी हमें पता है वो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालती है हमारी इम्यून सिस्टम पे, हमें इम्यूनिटी जो है बूस्टअप करती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी. सो आज मैंने सबसे पहले एक्टिविटी जो डिसाइड की है वो है फिजिकल एक्टिविटी. अब ये फिजिकल एक्टिविटी बच्चे कैसे करेंगे, एक्सरसाइजेज एंड ऑल, है ना? नहीं करते हैं, कैसे उनको खड़ा करोगे आप एक्टिविटीज़ करने, ये करने के लिए कि हाँ आपको एक्सरसाइज करनी है. सो वी कैन डू सम क्रिएटिव थिंग्स. फर्स्टली, जो सब बच्चों को बहुत पसंद होती है, जंपिंग करना, डांसिंग करना, ये हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में, राइट? उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के साथ रेस लगा सकते हैं. रेस, नॉर्मल रेस नहीं, वी कैन गिव देम लेमन इन अ स्पून, राइट? ठीक है, उनको लेमन दे दो स्पून में, बोलो ठीक है आपको ये जो है लेमन इस एंड से उस एंड में लेके जाना है, और अगर आपने मम्मा से पहले या पापा से पहले कर लिया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा. अब उनको रिवॉर्ड आपने क्या देना है, यू कैन गिव रिवॉर्ड्स लाइक उनकी फेवरेट चॉकलेट दे दी कभी, ठीक है, कभी आपने उनको घर पे कोई जूस बना के दे दिया, फ्रेश जूस आप दे सकते हो, सूप्स अगर उनको पसंद है आप सूप दे सकते हो फ्रेश की, जो चीज़ें उसको पसंद है, हेल्दी चीज़ें उसको खाने में अच्छी लगती हैं, या जो भी चीज़ें आप ज़्यादातर नहीं पसंद करते उसको देने में, राइट? जो कुछ लाइक मैगी हम लोग अवॉइड करते हैं अपने बच्चों को देने के लिए, बट हमारे बच्चों को पसंद होती है, तो हम ऐसे रिवॉर्ड्स रख सकते हैं कि हाँ ठीक है आप एक्टिविटी करो, आप ऐसी चीज़ें करो जो हमें अच्छा लगेगा कि अगर आप जीतोगे, अगर आप अच्छे से करोगे वो चीज़, तो हम आपको रिवॉर्ड्स देंगे, ठीक है? रिवॉर्ड्स वो रखने हैं जो उन्हें पसंद हो, सो दे विल एक्चुअली डू इट.
राइट सो ऐसे कर सकते हो आप. और एक और हो सकता है, उसको क्रिएटिव कैसे बना सकते हो, अपने फ्लोर पे क्रॉस मार्क कर दो टेप से या फिर चॉक से अगर आपके पास है तो, ठीक है, क्रॉस मार्क्स कर दो और उस पे के बाद थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो. राइट सो उससे क्या होगा, उनको बोलो कि जो मार्क्स जहाँ पे क्रॉस लगा हुआ है वहाँ पे आपको जंप नहीं करनी, वो क्रॉस छोड़ के जो ब्लैंक स्पेस है वहाँ पे आपको जंप करनी है, ठीक है. सो वो एक हॉपिंग एक्टिविटी बन जाएगी, हॉप कर करके वो जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, जंप करके हॉप करके कुछ भी आप उसको एड ऑन कर सकते हो, ठीक है. उसके अलावा और क्या हो सकता है, आप ये आप कुछ हर्डल्स रख दो उसमें एक्टिविटी एरिया में, उसका कुछ एक्टिविटी एरिया बना दो, वहाँ पे हर्डल्स रख दो. हर्डल्स जैसे कि बॉटल्स रख दी, फ्रूट्स रख दिए, वेजिटेबल्स रख दिए, पिलोज रख दिए इन हिज वे, ठीक है. और उसे बोलो कि आपको ये सब हर्डल्स के ऊपर से जंप करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जाना है, सो दैट दिस विल बी हर्डल रेस, राइट. उसके अलावा आप कर सकते हो कि एक कॉर्नर पे बास्केट रख दो कोई, बकेट रख दो कोई, और दूसरे कॉर्नर पे स्टफ रख दो, कुछ कुछ भी, दे कैन बी वेजिटेबल्स, दे कैन बी फ्रूट्स, ठीक है. उसको बोल सकते हो उस टाइम पे कि ओके आप दूसरी साइड पे जहाँ पे बकेट है उसके पास कुछ फ्लैश कार्ड्स बना के रख दो या फिर चिट्स बना के रख दो कि आपको ये चीज़ें उसमें आप ड्रॉ कर सकते हो सेम चीज़ें, लाइक अगर आपने वेजिटेबल्स रखी हैं, ठीक है, सो आप उनको उनका नाम लिख सकते हो, राइट, कि वो चिट्स उठाएंगे और उसमें जो वेजिटेबल लिखी होगी उन्हें वो वेजिटेबल उठा के उस बकेट लानी होगी एंड उस बकेट में डालनी होगी. सो बाय दिस वे यू कैन टीच देम वेजिटेबल नेम्स, फ्रूट्स नेम, और इवन कलर्स नेम, कोई आप उन कलर्स की चीज़ें रख दो, ठीक है. सो आप मुझे कलर्स नेम सिखा सकते हो कि ठीक है आपको रेड कलर की कोई चीज़ लेके आनी तो रेड कलर का एप्पल वहाँ रख दो, वो एप्पल को उठा के लेंगे. येलो कलर के लिए बनाना रख दो, पपाया रख दो, ठीक है. सो वो चीज़ें वो उठा के लाएंगे. सो बाय दिस वी कैन टीच देम कलर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वट एवर वी वॉन्ट, कि हम जो भी उन्हें बोलेंगे कि आपको वो उठा के लाना है, वो उन्हें वो उठा के लाने. और वो उठा के लाने के लिए ऑब्वियसली उनको पता होगा कि वो कौन सी चीज़ें, तभी वो लाएंगे. एंड बाय दिस वे दे विल लर्न, बिकॉज उन्हें पता है अगर हम ठीक चीज़ उठा के लाएंगे तो हमें हमारे रिवॉर्ड्स मिलेंगे, राइट. हमें वो चीज़ मिलेगी जो हमें पसंद है खाने में, या कोई टॉय जो वो बहुत टाइम से मांग रहा है उसको, वो उस टॉय की थोड़ी सी यू नो ब्राइब करो उसको, बच्चों को अपने थोड़ा, ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें, उनको मज़ा आएगा और वो लर्न भी करेंगे और वो रिवॉर्ड्स के चक्कर में उसको करेंगे भी, तो उसको करने के लिए वो ऑटोमेटिकली चीज़ें सीख जाएंगे, राइट. एंड आवर नेक्स्ट एक्टिविटी इज ट्रेजर हंट एक्टिविटी. ट्रेजर हंट है ना, नाम से ही एक सस्पेंस क्रिएट हो, अरे ये कैसे करेंगे हम बच्चों के साथ. सो आई एम हेयर टू टेल यू, एक्चुअली हम ट्रेजर हंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है. वी कैन हाइड देयर फेवरेट टॉयज, ठीक है, उनके फेवरेट टॉयज पहले हाइड कर दो और हर फेवरेट टॉय के साथ एक एक फ्लैश कार्ड एड ऑन कर दो, ठीक है. वो फ्लैश कार्ड क्या होगा, लाइक किसी एक वेजिटेबल क्या आपने ड्रॉ कर दी, फॉर एग्जांपल आपने ब्रिंजर ड्रॉ कर दी, आप उनसे पूछो कि ठीक है अब ये कौन सी वेजिटेबल है, ब्रिंजल है, ठीक है, ये कौन सा अल्फ़ाबेट है. आप उनको अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर ब्रिंजल करके, जो भी आप बॉल ड्रॉ कर दीजिए, बॉल के साथ आप अल्फ़ाबेट ड्रॉ कर दीजिए. बॉल उनके पास होगी अगर तो बॉल हाइड कर दो और उसके साथ उसका अल्फ़ाबेट जो है वो हाइड कर दो, ठीक है, उसी के साथ में. तो उनको बोलो कि अब आपको बॉल ढूंढनी है, ठीक है, बॉल ढूंढनी है तो उसके साथ उसको वो अल्फ़ाबेट में मिलेगा जो फ्लैश कार्ड आपने बनाया होगा. तो उससे पूछो अब ये कौन सा अल्फ़ाबेट है, तो वो उसको बताएगा इट्स बी. बी फॉर क्या होता है, बॉल. तो इस वजह से हम उनको अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं, राइट. फिर अगर आप उसके पास फॉर एग्जांपल आपको नंबर्स सिखाने हैं, राइट, तो कोई भी चीज़ जो उसके पास ज़्यादा नंबर्स में है, लाइक या फिर आप कोई फ्रूट्स हैं जो आपके पास घर पे बहुत सारे हैं पड़े हुए हैं तो नंबर्स में है, आप 3-4 चीज़ें एक साथ रख दो उसके साथ, फोर जैसे आपने 4 एप्पल्स रखे एक साथ तो आप उसके साथ 4 नंबर लिख दो. फिर उसको बोलो अब इन एप्पल्स को काउंट करो, सो ही विल काउंट 1, 2, 3, 4, ठीक है. तो कहेगा कितने हैं, 4, और 4 कैसे लिखते हैं, 4 कहाँ पे, ये इसके साथ जो फ्लैश कार्ड है वो बताएगा कि ये 4 है. सो दिस वे ही और शी कैन लर्न द नंबर्स, ठीक है. आपके बच्चे तो उससे नंबर्स भी सीख जाएंगे. आप अल्फ़ाबेट्स चाहते हो तो अल्फ़ाबेट सिखा सकते हो, इसी तरह कलर्स नेम सिखा सकते हो, वेजिटेबल नेम्स, फ्रूट्स नेम, कुछ भी आपको जो भी चीज़ सिखानी है आप उन चीज़ को
वैसे आप उसको ढूंढने के लिए बोलो कि ठीक है, अब यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं, आपको सारी चीज़ें ढूंढ ढूंढ के लानी है, ठीक है। आप उसको बोल सकते हो हमने 5 चीज़ें छुपाई हैं, तो वो फर्स्ट लेके आएगा, ठीक है, 5 थी उसमें से 1 आ गई, अब कितनी बची, 4। सो वो साइड बाय साइड नंबर भी समझ लेगा, नंबर्स भी उसको याद हो जाएंगे कि काउंटिंग भी आ जाएगी, तो और उसके साथ में उसको आप लर्न भी करवा सकते हो चीज़ें, राइट। सो ये एक्टिविटी भी बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं एक्चुअली, बिकॉज उनको वैसे भी घर में घूमना इधर उधर बहुत पसंद है, तो वो ट्रेजर हंट से क्या होता है, उनकी वो जो विश होती है कि हाँ हम घर पे घूमते रहें, हमें कोई ना रोके, वो चीज़ जो है वो पूरी हो जाएगी, राइट। सो इसके साथ भी वो इजीली लर्न भी कर सकते हैं, सो आई गेस ये एक्टिविटी भी बहुत अच्छी जाएगी किड्स के साथ। सो लेट्स बिगिन विद आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। ओके, सो कई बार क्या होता है, हमें लगता है या हमारी फैमिली को लगता है, हर बार सिर्फ गेम्स के थ्रू हम बच्चों को कुछ चीज़ें सिखा नहीं सकते हैं, ठीक है, कि हम हमेशा उन्हें गेम्स के थ्रू कैसे सिखाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि वो सच में पहचान गए। तो व्हाट वी कैन डू इज, इंटरनेट पे आजकल बहुत सारी फन लर्निंग एक्टिविटीज़ की जो है आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी, फन वर्कशीट्स, ठीक है, वो फन वर्कशीट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, उनको अगर आपके घर पे प्रिंटर है तो आप उसको प्रिंट आउट निकाल लीजिए और हर एक्टिविटी के एटलीस्ट 5-6 प्रिंट आउट्स निकालिए, ठीक है, या फिर आप ड्रॉ कर लो सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक मैचिंग एंड एवरीथिंग, जो भी अब आपने सिखाया है, जैसे बी आपने बॉल का सिखाया था, ठीक है, तो वो उसको ड्रॉ कर लो, उसकी वर्कशीट बना लो एंड वो अपने साथ बच्चे को बिठाओ, एक वर्कशीट आप खुद पकड़ो, एक बच्चे को दो एंड से हिम कि लेट्स सी हु विंस, ठीक है, कौन जीतता है, उसके हैंड में कलर दे दो, ठीक है, उसे बोलो मैच करें, मैच तो फॉलोइंग कर सकते हो आप, ठीक है। उसके अलावा एक स्पॉट द डिफरेंसेस की एक्टिविटीज़ आपको मिल जाएंगी बहुत ईजिली, राइट, तो आप वो कर सकते हो, वो जो है एक ब्रेन स्ट्रॉमिंग एक्टिविटी हो जाती है, ब्रेन स्ट्रॉमिंग बहुत होता है, उससे ब्रेन पे प्रेशर बच्चा बनाता है और उसको पता लगता है, वो स्पॉट करता है डिफरेंसेस, इससे ब्रेन जो है हमारा बहुत ज़्यादा वर्क करता है और वो जो है उसको हेल्प करेगा अपने ब्रेन को डेवलप करने में और ज़्यादा, ठीक है। सो ये एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो अपने बच्चों के साथ बैठ के, करो, कौन जीतेगा, लेट्स सी हु विल विन, जो जीतेगा उसे चॉकलेट मिलेगी, ठीक है, ऐसे करके हम थ्रू वर्कशीट्स भी उनको करवा सकते हैं, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ हैं आप डेली मत करो, कोई भी सेम एक्टिविटी डेली मत करो, रिपीट एवरी एक्टिविटी आफ्टर 2-3 डेज, ठीक है, कि एक दिन आपने कोई एक्टिविटी कर ली, दूसरे दिन आप दूसरी एक्टिविटी करो, राइट, सो दैट उनको भी, बच्चों को भी एक सस्पेंस बना रहेगा कि हाँ आज कौन सी न्यू एक्टिविटी होने वाली है हमारे साथ आज मम्मा क्या करेंगे, आज पापा क्या करेंगे हमारे साथ, ठीक है। सो उनको एक इंटरेस्ट बना रहेगा, वो बहुत अच्छे से करेंगे परफॉर्म उसको और उसके लिए वो वेट करेंगे कि हाँ टाइम होने वाला है, फिक्स टाइम हमारा वो है जो फन एक्टिविटीज़ का होने वाला है, सो अब मज़ा आएगा, राइट। सो हर एक्टिविटी को आप 2-3 डेज के गैप में दोबारा स्टार्ट करो। और नेक्स्ट एक्टिविटी जो मैंने सोची है वो है हेल्पिंग हैंड एक्टिविटी। हेल्पिंग हैंड शायद नाम से आप लोगों को पता लग जाए कि उनको एक हेल्पिंग हैंड बना के रखो कि हाँ आप मम्मा की या पापा की हेल्प करोगे, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा वे है अपने बच्चों को समझाने का कि बच्चा कोई भी काम ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ गर्ल्स करेंगी या सिर्फ बॉयज़ करेंगे, सो वी कैन टीच देम जेंडर इक्वालिटी बाय दिस। क्योंकि घर पे हम लोग जब सारे घर पे होते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन में भी, तो हम सब मिल के हर वो काम कर रहे थे जो पहले शायद सब नहीं करते थे घर पे, राइट। सो इस तरह से हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि बेटा हर काम हर कोई करता है, लाइक अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग है, ठीक है, तो हम उसको समझा सकते हैं देखो मम्मा भी जॉब पे जाती हैं, पापा भी जाते हैं, तो वो दोनों इक्वल हैं, तो अब उसको अपने साथ हेल्प करवाओ, ठीक है। लाइक अगर आप घर पे डस्टिंग करते हो विद कॉलिन, राइट, सो आपके पास शायद उसकी स्प्रे बॉटल, खाली स्प्रे बॉटल होगी, उसको उसके अंदर पानी डाल के दे दो अपने बच्चों को, से देम कि ठीक है अब आप ये स्प्रे करो और ये क्लॉथ लो, इससे क्लीनिंग करो, डस्टिंग करो, सब हेल्प करो, ठीक है। देन यू कैन से ठीक है मम्मा चपाती बना रही है, आप उनको भी दे दो साइड पे उनका किचन छोटा सा बना के, ठीक है, यहाँ पे आप भी चपाती बनाओ, देन उनको कभी कभी उसकी चपाती जो है वो सेक के दिखा दो पूरी पका के कि देखो हाउ इट लुक्स, ये देखो मम्मा ने आपकी चपाती को पका के दिया है, देखो कितनी सुंदर लग रही है, ऐसे उनको इनकरेज कर सकते हो, राइट। देन अगर आप अपना बालकनी और
कुछ भी वॉश करते हो विद द बकेट एंड ब्रूम राइट, तो उनको भी एक छोटी सी बकेट दे दो, या उनको बकेट दे वाइपर पकड़ा दो, झाड़ू पकड़ा दो कि ठीक है आप झाड़ू लगाओ मैं वाइपर लगाती हूँ, या मैं झाड़ू लगाती हूँ आप वाइपर करो, ठीक है। सो ऐसे वो आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, उन्हें घर की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व करो, उनको आएंगी चीज़ें करना कि ठीक है हमें भी ये चीज़ें करनी है, दे विल मेक इंटरेस्ट। और कॉलिन वाला अगर आप देते हो, अगर आपके बच्चे बहुत इतने समझदार हैं कि उन्हें पता लग रहा है कि दिस इज़ ब्लू कलर, कॉलिन वैसे ब्लू कलर का होता है और आपने मुझे पानी दिया है ये वाइट कलर का है, ठीक है। सो व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन ऐड वेरी मिनिमल क्वांटिटी ऑफ कॉलिन इन दैट वाटर ताकि वो ब्लू नज़र आए, और वो ब्लू नज़र आएगा तो वो आराम से उसको यूज़ भी कर लेगा, ठीक है। इसके अलावा आप उनको नॉन फायर एक्टिविटीज़ में अपने साथ लगा सकते हो, लाइक आप घर पे लेमोनेड बना रहे हो, नींबू पानी बना रहे हो, सो उनको बोलो ठीक है मिक्स दिस सॉल्ट इन दिस वाटर, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा कि हाँ मुझे मम्मा ने बोला है उनकी हेल्प करने के लिए और मैं ये करूँगा। और बच्चे जब हम कर रहे होते हैं वो एक्चुअली चाहते हैं कि हम लोग मम्मा जो कर रही हैं हम वही चीज़ करें, सो दिस वे हम उनको सिखा सकते हैं। अगर आप घर पे कभी केक बना रहे हो या फिर लाइक नॉर्मली हम पकोड़े बनाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, बेसन को पूरा अच्छे से घोलते हैं, उसको मिक्स करते हैं पूरा, तब उनको दे दो एक छोटी सी कटोरी में डाल के, थोड़ा सा उनको भी दे दो कि ठीक है बच्चा अब ये आप मिक्स करो, मम्मा भी थोड़ा सा कर रही है, थोड़ा सा आप करो, मम्मा की हेल्प करो, जल्दी हो जाएगा। सो दिस वे दे विल एक्चुअली लर्न डूइंग हाउस होल्ड थिंग्स एंड दे विल एक्चुअली इन्जॉय योर कंपनी, बिकॉज बच्चों को बहुत अच्छा लगता है जब वो सेम चीज़ें करते हैं जो हम मामा उनकी घर पे करते हैं या उनके पापा घर पे जो चीज़ें करते हैं वो सेम चीज़ें अगर वो करें तो उनको बहुत अच्छा लगता है। सो दिस वे यू कैन यूटिलाइज योर टाइम उनको सिखाने में चीज़ें राइट। एंड फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी चीज़ कर रहे हो और कुछ भी है तो आप उन्हें ये चीज़ें करवा सकते हो। एंड नेक्स्ट कम्स सेल्फ डिफेंस, ठीक है। सेल्फ डिफेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के टाइम पे, हमेशा से ही इम्पॉर्टेंट थी, जहाँ पे हम बच्चों को सिखा सकते हैं कि अगर आपको कोई कुछ गलत कर रहा है आपके साथ तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, हम खुद को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। सो आप सबसे पहले तो अपने बच्चों को समझाइए कि बेटा व्हाट इज़ रॉन्ग, अगर कोई आपको किस तरह से रॉन्गली टच करता है उनको एक बताइए, सबको समझाइए, ठीक है। अगर आप छोटी एज से ही उनको समझाना शुरू करोगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर, उनकी मेंटल लेवल अब बहुत अच्छे से ग्रो अप हो चुके हैं, वो उनका जो ब्रेन है वो पूरा ग्रो अप हो चुका है, तो वो हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सो उनको बैड टच गुड टच समझाइए। और उसके अलावा हम उन्हें सेल्फ डिफेंस कैसे सिखा सकते हैं, कैसे समझा सकते हैं, आप क्या करो पिलोज लेके खड़े हो जाओ राइट, उन्हें बोलो ये पिलोज पे आपने पिलो फाइट करनी है, फाइट कैसे करनी है, दे कैन पंच ऑन द पिलोज, दे कैन किक ऑन द पिलोज, ठीक है। सो ये जो है उनको डिफेंस करना भी सिखाएगा, ठीक है, कि अगर आपको कोई बैड टच कर रहा है आप उनको मारो, मार के भाग जाओ वहाँ से। सो वो चीज़ उनको सिखाएगी, प्लस उनकी जो मसल्स हैं वो लूजन अप हो जाएंगी, बहुत इजीली वो लूज़ हो जाएंगी मसल्स उनकी और वो फ्लेक्सिबल बन जाएंगे। सो ये चीज़ हम उन्हें सिखा सकते हैं। या फिर और एक और हो सकता है, बैलून के साथ हम कर सकते हैं, उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बैलून जो हैं वो हम दे सकते हैं डाल के, और उसको बोल सकते हैं कि आपको ये बलून्स को किक करना है, इन बलून्स को पंच करना है। फिर अगर आप पिलोज के साथ नहीं करना चाह रहे तो आप बलून्स के साथ कर सकते हो कि हाँ आपने इस कलर के बलून को पंच करना है, आपने ऐसे पंच करना है, आपने ऐसे किक करनी, तो वो और वो बलून्स के साथ खुद भी एक कोई ना कोई एक्टिविटी बना लेंगे राइट। और बलून के साथ हम एक और एक्टिविटी कर सकते हैं डिफरेंट कलर्स के, अगर हम बना रहे हैं तो कि हम उन्हें कलर्स सिखा सकते हैं, इससे हम उन्हें बोल सकते हैं ओके ये पेन लो, अब आपको रेड बलून्स बर्स्ट करने हैं, ठीक है, या फिर आपने बलून्स के ऊपर बैठना है, सिर्फ रेड बलून्स के ऊपर बैठ के उनको बर्स्ट करना है, ठीक है। ऐसे हम एक्टिविटीज़ उनको करवा सकते हैं, ये एक्टिविटीज़ में सेल्फ डिफेंस भी हो जाएगा, आपको पंच एंड केक भी एंड फन भी हो जाएगा, कि कलर्स नेम हम कर सकते हैं कि आपको रेड बलून्स को ही हिट करना है, येलो बलून्स को ही हिट करना है, सो वो चीज़ भी हो जाएगी। सो नाउ इट्स द टाइम फॉर द लास्ट एक्टिविटी विच आई एक्चुअली प्लान्ड आउट, ठीक है। सो आप सबको शायद याद होगा, हम जब छोटे थे हम एक गेम खेलते थे टिपी टिपी टैप विच कलर यू वॉन्ट राइट। सो मैंने वही जो एक्टिविटी है वही आप लोगों को दोबारा रिमाइंड करवा रही हूँ,
बिकॉज इससे हम बच्चों को बहुत इजीली कलर सिखा सकते हैं। हम तो पहले कुछ वो एरोस सब बनाते थे कि उसमें फिंगर्स फंसा के करते थे, है ना, ऐसे टिपी टिपी टैप विच कलर यू वॉन्ट। सो वो हमें वो नहीं बनाना है, हमें नॉर्मली खड़े हो जाना है कहीं पे और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रख देनी है जो अलग अलग कलर्स की हों, डिफरेंट कलर्स की चीज़ें रख देनी है। और फिर हमें बोलना है अपने बेबी को कि आप पूछो कि मुझे कौन सा कलर चाहिए, टिपी टिपी टैप विच कलर यू वॉन्ट। बच्चे पूछें आप बताओ, रेड कलर, आई वॉन्ट रेड कलर, ठीक है। सो वो बच्चे भाग के आपके और रेड कलर की चीज़ें उठाएं, फिर ग्रीन कलर की चीज़ें उठाएं, ठीक है। वो फिर आप इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो, टिपे टिपे टैप विच वेजिटेबल यू वॉन्ट या विच फ्रूट यू वॉन्ट या विच ऑब्जेक्ट यू वॉन्ट। इवन यू कैन ट्रेन देम विद द ऑब्जेक्ट्स विद दिस कि कौन सा ऑब्जेक्ट हो के आई वॉन्ट अलमीरा, तो वो फटाफट जाके अलमीरा को टच करेंगे, दिस इज अलमीरा। आई वॉन्ट टेबल, वो टेबल को करेंगे टच, राइट। देन कुछ भी ऐसे हम इसको मॉडिफाई करके उन्हें करवा सकते हैं कुछ भी एक्टिविटी। सो आई गेस आई गेव यू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर टुडे एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कम अप विद नेक्स्ट पार्ट एंड टेल यू मोर सच एक्टिविटीज़ फ्रॉम विच यू कैन टीच योर किड्स। आई होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड यू विल फॉलो दीज एक्टिविटीज़ फॉर श्योर। सो वंस यू फॉलो दीज एक्टिविटीज़, वंस यू प्लान आउट दीज एक्टिविटीज़ विद योर किड्स, प्लीज़ डू लेट मी नो हाउ दे फेल्ट, राइट, कि उनको कैसा लगा, उनको अच्छा लगा, उन्होंने एंजॉय किया या नहीं, प्लीज़ डू लेट मी नो। यू कैन डू कमेंट ऑन माई वीडियो और यू इफ़ यू नो मी पर्सनली यू कैन यू नो जस्ट कॉल मी पर्सनली, टेक्स्ट मी पर्सनली दैट येस वी डिड दिस एक्टिविटी विद आर किड्स एंड दे एक्चुअली एन्जॉयड इट। सो बिकॉज इट विल एक्चुअली गिव मी मोटिवेशन टू मेक मोर सच वीडियोज एंड आई विल लव टू नो दैट इफ यू पीपल आर एंजॉइंग दीज एक्टिविटीज। सो बाय बाय ऑल मॉमीज एंड टू एंजॉय दीज एक्टिविटीज विद योर किड्स। बाय बाय टिल देन, टेक केयर।